दोस्तों स्पीडो में वो मैच कवर करने में, जो कि जिस मैच का मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था, और ये मैच ना डोमेस्टिक लेवल का सबसे बेस्ट मैच है इस साल का, और ये मैच है नामीबिया वर्सेस पंजाब के बीच वनडे मैच खेला जाएगा, जो कि शायद ही कोई बंदा होगा जो कि इस फील्ड में इस मैच को खेलेगा। देखो वर्ल्ड कप चला गया, लोग लंका प्रीमियर लीग पर ध्यान दे रहे, बट मैं बता दूँ डोमेस्टिक मैच में जो मज़ा वो आपको इधर उधर नहीं मिलेगा, तो इस डोमेस्टिक मैच को खेलो। ये है नामीबिया वर्सेस पंजाब के बीच वनडे मैच है, जो कि 5 मैचेस की सीरीज है, और इस 5 मैचेस में अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मैचेस और कोई कवर करेगा नहीं। इधर उधर जाने से अच्छा है कि चैनल सब्सक्राइब कर रख लेना। सबसे पहले कम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, मात्र 6 घंटे मैच स्टार्ट हो जाएगा, तो फाइन टीम मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, क्योंकि कोई कवर ही नहीं करेगा ऐसा मैचेस। और आपको पता है हर एक मैच हम लोग कवर करते हैं, नामीबिया के और पंजाब के रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे मैचेस कवर किए। तो फाइन टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऐसे मैचेस और कोई कवर भी नहीं करेगा। तो विनिंग टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर के लिए काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स से जाना। देखो सबसे पैसे में बता रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, क्या करना, वीडियो में वो कोई भी ओपन कर लेता हूँ। चलो मैं आपके सामने कोई भी वीडियो ओपन कर लेता हूँ, जैसे भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब क्या करना, आप जाना है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे क्लिक करना, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना, पहले वीडियो को जूस लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जूस कर लें, ठीक है ना। जल्दी से 30 सर करना है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस पर क्लिक करना, मोरल सेक्शन पे क्लिक करना, पहला लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, इस लिंक पे क्लिक डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या फिर कमेंट बॉक्स से जाना, लिंक उस पर भी काम करता है, बट मैं प्रेफर करूँगा कैसे भी कर लूँ, लेकिन टेलीग्राम चैनल जूस ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल पर कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर फाइन टीम के लिए, और ग्रैंडली का विनिंग टीम के लिए, और मिनी ग्रैंडली के लिए, और स्मॉल लीग के लिए, तो जूस ज्वाइन कर लेना। है ना, बात करते हैं। देखो मैंने नोट्स बना के रख रखा था, बिल्कुल नोट्स ओपन कर लेते हैं फटाफट से। ये मैच ना कहाँ पे, विंडोक में, यानी विंडोक है नहीं, नामीबिया, नामीबिया में मैच खेला जाएगा ना, विंडोक में खेला जाएगा, वही 1 बजे अपना ये मैच स्टार्ट हो जाएगा, यानी नामीबिया में है। प्रोवेल न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देख लेते। इंजरी न्यूज़ जो कि है कोई भी नहीं है, वेदर क्लियर है, विनिंग प्रेडिक्शन तो नामीबिया थोड़ी फेवरेट रहेगी, ऑब्वियस बात है नामीबिया की इंटरनेशनल टीम है और पंजाब जो कि डोमेस्टिक टीम है, बट फिर भी प्लेयर्स तो तगड़े हैं, तो काफ़ी एकदम एक तरफा मैच तो नहीं जाएगा ना, वन साइडेड नहीं जाएगा मैच। पिच कंडीशन बैलेंस है, एवरेज अगर फर्स्ट इनिंग में बात करें तो 225 का है इस विकेट का, एवरेजली फर्स्ट इनिंग 225 का, तो समझ सकते हो विकेट थोड़ा सा बैटिंग को भी सपोर्ट कर रहा है, अगर 200-250 रन भी बन सकते हैं, और अपने पास वो सब प्लेयर्स हिटर लोग भी है पंजाब के पास, और नाभिक पास तो पहले पिच रिपोर्ट, कोई बैलेंस विकेट है। यहाँ पे स्पिनर्स और पेसर्स दोनों का बोल वाला इक्वली है, चेसिंग इस विकेट पे काफ़ी इजीली हो जाता है, तो मे बी चेस करना ज़्यादा परफेक्ट करेगी टीम, चेस ज़्यादा करेगी, जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना ज़्यादा परफेक्ट करेंगे। उसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं लाइनअप से, तो सबसे पहले नामीबिया का अगर आप लाइनअप देखोगे तो ओपनिंग करें टीम से एल लॉरेंस, जो कि टीम दस ओपनिंग करेंगे, मलान पुरेगर के साथ ओपनिंग करेंगे, गैदर स्मिथ जो कि कैप्टनसी प्लस वर्णा बैटिंग करेंगे टीम दस से, जोनाथन स्मिथ जो कि टीम से फोना बैटिंग करेंगे, उसके अलावा माइकल जो कि अवेलेबल इस मैच के लिए, जोनाथन स्मिथ जो कि हर को जाना जे स्मिथ का के हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त टीम दस से, माइकल भी हैं, उसके अलावा चेन जेपी कोट जो कि टीम दस विकेट कीपिंग, तो वो बैटिंग ऑर्डर भी चेंजेस तो होंगे, बट कुछ ज़्यादा ही लाइनस परफेक्ट नहीं थे। और चेन ग्रीन भी, चेन फील्डिंग के लिए चेयर है, रूबिल ट्रोप एंड बन सिकंगो, बैटिंग थोड़ा सा तगड़ा मुझे लग रहा है। देखो ना, देखो लॉरेंस टीम से ठीक ठाक ही है, लेकिन देखो यहाँ पे मलान कुरिगर है, के दुस्मू से जेजे स्मिथ है, माइकल है, जेपी कोट है, चेन ग्रीन है, तो बैटिंग तो काफ़ी तगड़ा सा लग रहा है। देखो उसके बॉलिंग के चेन फील्डिंग के लिए चेयर है, टीम दस से बेन रूबिल ट्रोफो ने, बेन सिकंगो है, बेंच प्लेयर्स है, वही चेन वॉल्ट वगैरह से बेंच पे हैं, बेन उसके अलावा कोई है ऐसा तगड़ा प्लेयर बेंच पे, ऐसा कोई तगड़ा तो नहीं है, टेंगाई लुंगे मैंने बेंच पे रहने वाले, जो कि तगड़े बॉलर टीम दस से हर को जानता है, वो बेंच पे रहने वाले। उसके अलावा पंजाब की बात करें लेने, इनकी टीम दस अनमोल प्रीत सिंह जो कि टीम से कैप्टन ओपनिंग करी, टीम दस रिसेंटली कैप्टनसी करे थे, आपको याद होगा ये पंजाब से T20 में, आपको याद होगा। नमन दे जो कि टीम दस से अच्छा है, टीम दस अवेलेबल है, रमनदीप सिंह जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, ठीक ठाक टीम दस से, गुनूर बरार भी अवेलेबल है, उसके अलावा निहाल बडेरा अवेलेबल टीम दस से, सनवीर सिंह है, प्रभसेंद्र सिंह है, उसके अलावा ए मल्होत्रा टीम दस से, उसके अलावा हरप्रीत बरार है, मैक मार्कंडे, सिद्धार्थ कोहले, तो ये अपना लाइनअप से काफ़ी परफेक्ट, अगर देखोगे तो काफ़ी परफेक्ट है। उसके अलावा टीम दस से पुखराज वगैरह सब बेंच पर रहेंगे, जो ज़्यादा कोई खास पड़ेंगे, ऐसा कोई इंजरी न्यूज़ वगैरह अभी तक नहीं है, एंड दोनों लाइन को फॉलो करके अपनी टीम फटाफट से क्रिएट करते हैं। बाकी जो अपडेट्स होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे जो अपडेट करूँगा, तो टेलीग्राम चाहिए ज्वाइन कर लेना, विनिंग टीम के लिए, फाइन टीम के लिए, कमेंट बॉक्स में पिन उस पर क्लिक डायरेक्टली आप कर लेना। एंड बात करते प्लेयर वाइज साइनिस से, बाकी देखो इन्वेस्टमेंट अपने को नॉर्मली करना है, फर्स्ट मैच है, 5 मैच सीरीज है, अभी आराम से हो। बात कर विकेट कीपर शिंग, उससे पहले उस वीडियो को जूस लाइक कर, मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो सब्सक्राइब जूस करें, वीडियो को जूस लाइक करें, तो भाई कोई ऐसे मैच ऐसे नहीं कवर करा, अकेले हम लोग कवर करें, तो प्लीज़ जूस से सब्सक्राइब करें, ठीक है।
बात के विकेट कीपर सेशन देखो, जेपी कोटेज अच्छा प्लेयर टीम से नो डाउट टीम हम लोग जानते हैं। ए मल्होत्रा तो अपने साइड टू साइड रखते, जेन ग्रीन जो कि वनडे मैच का स्टार प्लेयर टीम से जेन ग्रीन, लेकिन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी है लेकिन फिर भी अच्छा है स्टार प्लेयर है। बट परमसिंह सिंह जो कि फॉर्म अच्छा चल रहा है, प्लस टीम से सैंडी कैप्टन से भी मिला था, काफ़ी अच्छे टीम से और आईपीएल भी खेल रखे, तो नो डाउट काफ़ी जबरदस्त पिक है। बट जेपी कोटेज क्या है कि पावर हिटर है, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं चूज पिक करता। पावर हिटर है ना तो हिट नहीं तो मिल सकता है, लेकिन अच्छा प्लेटिंग से अगर चल गया तो आपको एक तरफा विन करवाएगा। उसके अलावा निहाल बटरा कैप्टनसी मिला है, पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन पिक का चलता हूँ। सिलेक्शन भी ज़्यादा है यार, दिक्कत ये है। उसके अलावा अनमोल प्रीत सिंह अच्छे पिक टीम से, माइकल टीम से, चेन फिलिंग का फॉर्म खराब चला है लेकिन बॉलिंग अटैक जबरदस्त है। जेजे स्मिथ, लोग जेजे स्मिथ को ड्रॉप करें बताओ यार, जेजे स्मिथ अगर बैटिंग मिल गया ना, जो नाथन स्मिथ है मत सोचो ये वो प्लेयर नहीं है, जेजे स्मिथ ही है ये, ठीक ना, याद रखना जेजे स्मिथ ही है। अगर बैटिंग मिल गया ना तो बहुत गंदा मारेगा। रुको एक मिनट, मैं पावर प्ले पता करता, रुको तो बॉलिंग करेगा नहीं करेगा अगर आप देखोगे, एक सेकेंड। उदय प्रताप सारन नहीं, इस बार अवेलेबल नहीं है, अंडर 19 का अपना कैप्टन वही उदय प्रताप सारन, जबरदस्त है ना अपना, अवेलेबल नहीं है। अगर खेलता तो अच्छा रहता, मतलब बंदा विकेट कीपिंग तो विकेट कीपिंग कर लेता है, काफ़ी जबरदस्त प्लेयर टीम से, और बॉलिंग भी अच्छा कर लेता है, जबरदस्त खेलता तो रहता। उसके अलावा मैं देखो बॉलिंग यूज़ करना चाहूँगा अभी के लिए, अभी इन दिन जैसे 1 2 3 4 फिफ्थ बॉलर है, यहाँ पे कौन रहेगा, क्या जेजे स्मिथ रहेंगे या फिर कैदे सिबोस, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है। यानी कि बॉलिंग करेगा जेजे स्मिथ, प्लस वनडे मैच है तो मैं प्रेफर करूँगा पिक कर लो। जेन फिलिंग भी बॉलिंग करेंगे, वो भी अच्छे खासे अमाउंट में सब करेंगे। अभी के लिए मैं जेजे स्मिथ प्रेफर करूँगा, जेन फिलिंग का फॉर्म खराब है लेकिन मैं जेजे स्मिथ ड्रॉप नहीं कर सकता, बड़ा तगड़ा प्लेयर है। उदय प्रताप सारंग खेलता तो मैं कैप्टन कर देता आँख बंद करके, बहुत इनफॉर्म प्लेयर, जल्दीबाजी करता नहीं। मलान कुरेकर एक अच्छे टीम से, मलान कुरेकर कवर करके चल सकते हो क्योंकि बंदा ओपनिंग कर रहा है, फॉर्म भी ठीक है। गैदे सबूस कैप्टन करेंगे, और बीस बात है रमनदीप सिंह जो कि अच्छे टीम से, नमनधीर नमनधीर जो कि अवेलेबल तो है बट पता नहीं बॉलिंग कैसा करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं कह सकता, ठीक ना। तो बैटिंग तो लेके करेगा ही करेगा। उसके लिए सुखदीप सिंह वगैरह सब हैं, सोन फोच जो कि हर कोई जानते हो और अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन जे वर्ल्ड वगैरह बेंच पे है। मैक मार्कंडे काफ़ी जबरदस्त है, हरप्रीत बरार अच्छे टीम से, बेन सिकुंग अच्छे, सिद्धार्थ कोल लेना ऊपर है तो मैं सिद्धार्थ कोल प्रेफर करूँगा, लेकिन रूबल ट्रोपमेंट ये सब अच्छे पिक सब हैं, बट इन तीन में से मैं किसी को ड्रॉप नहीं, सिद्धार्थ कोल जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे, हरप्रीत बरार नाम ही काफ़ी है, मैक मार्कंडे जो कि हर कोई जानता है कुछ साल से आईपीएल ही खेले बट अच्छे टीम से, अब अपनी टीम में टिंगाइलिंग मैंने तो अवेलेबल नहीं है बट बेन सिकुंग अवेलेबल है। उसके अलावा बराज सिंह शायद अवेलेबल नहीं है, रूबल ट्रोपमेंट को पिक करना चाहिए, बट रूबल ट्रोपमेंट मुझे पिक करने के लिए मुझे माइकल को ड्रॉप करना पड़ेगा जो कि मैं चाहूँगा अभी। एक सेकेंड, इस माइकल को मैं कहाँ पिक कर लिया सिलेक्शन में, इसमें इसको पिक मत करो ठीक है, इसके फिर चैन फील्डिंग के साथ जाओ, पतंगी गलती से पिक कर लिया था ठीक है। चैन फील्डिंग अच्छा पिक है, टीम ने बॉलिंग भी कर दिया, फिर चैन फील्डिंग नहीं चाहिए तो अपनी टीम में रूबल ट्रोपमेंट के साथ जाओ जो कि बॉलिंग अटैक सबसे बेस्ट है, इसकी बॉलिंग में शक नहीं है। और बेन सिकुंग को भी अच्छा है, नहीं ना बेन सिकुंग तो जबरदस्त है बंदा, हर कोई जानता है, रूबल ट्रोपमेंट बेन सिकुंग तो नहीं, देखो अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है कि आपको रूबल ट्रोपमेंट चाहिए या फिर बेन सिकुंग, मैं जजेस में ड्रॉप नहीं कर सकता, बंदा कैप्टन भी करके चल सकता हूँ। सिद्धार्थ कोल को भी ड्रॉप नहीं कर सकता, रूबल ट्रोपमेंट में पिक करके चलूँगा भाई, ड्रॉप नहीं करूँगा क्योंकि बंदा 3-3 विकेट लेने वाला प्लेयर है। जेन फिलिंग का तो फॉर्म भी खराब चल रहा है, कैप्टन से बात करें तो ये सब तो बेस्ट है क्योंकि कैदे सबूस अगर टीम चेस करे ना तो आँख बंद करना और कैप्टन कर देना, क्योंकि ये विकेट भी इसका फेवरेट है और साथ ही साथ जिस ग्राउंड पे मैच करो तो फेवरेट है ही, चेसिंग मास्टर है और चेसिंग तो अच्छा करता ही है और चेसिंग के टाइम बॉलिंग भी करता है, तो ये भी जबरदस्त है। वाइस कैप्टन टीम में जेजे स्मिथ, अनमोलप्रीत सिंह, निहाल वडेरा, प्रभ सिंह, उसके अलावा मैक मार्कंडे, रमनदीप सिंह, इनमें सब किसी को रोटेट कर सकते हो। हरप्रीत बरार बॉलिंग अच्छे खासे विकेट लेके दे सकते मुझे लग रहा है, तो मैं फ़िलहाल के लिए अगर मुझसे पूछोगे वाइस कैप्टन तो प्रभ सिंह का फॉर्म अच्छा है, निहाल वडेरा एक एवरेज फॉर्म में ही चल रहे हैं, रमनदीप सिंह के साथ जाते जो कि बॉलिंग भी करेंगे। अगर आप बॉलिंग चेक कर लेते हो तो एक मिनट अपना बॉलिंग चेक कर लेते हैं, 1 2 3 3 ग्रुप बरार भी अवेलेबल है ठीक है, तो 4-5 बॉलर से इसी हो गया, यानी कि बॉलिंग करेंगे रमनदीप सिंह अच्छे खासे अमाउंट में, तो रमनदीप सिंह के साथ बना वाइस कैप्टन जाओ जो कि रिसेंटली जा भी रहे थे, कैप्टन गैदे सिमोस है, वाइस कैप्टन रमनदीप सिंह है, टीम तो परफेक्ट है, बस चेन फेलिंग की कमी महसूस हो रही है, अदरवाइज सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैंने कवर करेंगे और अपडेट में कर दूंगा फाइन टीम में किसके जो पे पिक करूँगा। बट यहाँ पे जेजे स्मिथ को ड्रॉप मत करना कि वनडे मैच है, अगर 10 ओवर मिल गया तो बहुत अच्छी नहीं खेलेगा, तो ध्यान रखिएगा।
टीम परफेक्ट है अभी के हिसाब से। अगर आपको जैन फीलिंग पिक करना है तो किसी पिक मुझे कमेंट कर बता सकते हो, ठीक है। बाकी टीम परफेक्ट है इस मौली के लिए। थोड़ा सा रोटेशन में करूँगा वो मैं आपको अपडेट करूँगा, बट टीम एकदम सही है। नमन धीर वगैरह निहाल बटर में बहुत कमी पिक करता हूँ, इस ना भी याद रखना। अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम बाइंडिंग के साथ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अपडेट के लिए, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में पिन उस पर क्लिक ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, और हाँ सबसे जूस क्लिक कर लेना, ठीक है। और वीडियो को जूस लाइक कर देना।